हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि संडे को आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन का वीडियो मिलता है, जिसके अंदर आपके पिछले जो 5-6 दिन के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो सभी अपन डिस्कस करते हैं, चाहे वो कोई से भी न्यूज़पेपर के हो पूरे देश में। जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनमें से कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं पिछले वीक के। तो ये एक रिवीजन वीडियो है, मैं वापस से आपको बता रहा हूँ। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा आप डिटेल कर में बताएं। तो देखिए, ये वीडियो जो आपके सिर्फ एक रिविजन वीडियो है, जिससे आपके प्रीवियस वीक का पूरा करंट अफेयर है वो रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर की क्लास अटेंड कर सकते हैं, जहां पे अपन अच्छी तरीके से डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है। साथ में अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ से आपको नोटिफिकेशन में मिलता है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 68वां सदस्य बन गया है, यानी कि रिसेंटली विच कंट्री हैज ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिकम द 68th मेंबर। तो अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बात करें तो आपको पता है कि फ्रांस में इसको इनॉग्रेट किया गया था, पीएम मोदी का इनिशिएटिव था, गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, दुनिया के कई देश इसके मेंबर है। अभी रिसेंटली 68th मेंबर कौन बना है, वो म्यांमार बना है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन इन देश, इसके बीच के जो देश है ना, उन सब ने मिलके इसको बनाया है, ताकि यहाँ पे जो सोलर एनर्जी ज़्यादा आती है, सनलाइट ज़्यादा आती है, उसको काम में ले सके है, इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है। चलते हैं, हाल ही में किस भारतीय बंदरगाह ने अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल के लिए कार्य आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। रिसेंटली विच इंडियन पोर्ट हैज साइंड वर्क ऑर्डर फॉर स्टेट ऑफ द आर्ट क्रूज टर्मिनल। तो स्टेट ऑफ द आर्ट क्रूज टर्मिनल की बात करें गाइस, तो कोचीन पोर्ट है, ठीक है, कोचीन पोर्ट है जहां पे इसको अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल जो है वो वहां पे सेटअप किया गया है, आर्ट ऑफ द स्टेट क्रूज टर्मिनल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहां पे बिल्कुल सही, मतलब यहां पे कोची पोर्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना की अगर मैं बात करूं गाइस, किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2015 में करी गई थी। भारतमाला का मतलब क्या है, किस तरीके से जो हमारा कोस्टल जो तटीय एरिया है उसके जितने भी पोर्ट हैं उन सबको डेवलप करना, आपस में कनेक्टिविटी करना, तो भारत माला एक माला बनाने की बात करे जा रही है। ओके, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। अभी तक ऑफलाइन रहने वाले अरब देशों को जोड़ने, अरबों लोगों को जोड़ने की अपनी योजना के तहत फेसबुक 2019 की शुरुआत में अपना इंटरनेट उपग्रह लॉन्च करने पर काम कर रहा है, उस उपग्रह का नाम क्या है। तो आपको पता है कि दुनिया में अभी भी अरबों लोग हैं जो कि ऑफलाइन है, फेसबुक चाह रहा है उन सभी को इंटरनेट से जोड़ दे। सिंपल सी बात है, अगर इंटरनेट से जुड़ेगा तो दो ही कंपनियों के फायदा है, सबसे ज्यादा गूगल और फेसबुक। तो उस उपग्रह का नाम क्या है, यह एथेना, एथेना उसका नाम है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हर्षवर्धन जी ने अभी एक इनॉग्रेट करी थी मौसम पूर्वानुमान के लिए एक एप्लीकेशन, तो वेदर फोरकास्टिंग, तो उसका नाम क्या है, तो आपको बताना है। उसका नाम तो है पहली बात तो सफर, और कहाँ पे लॉन्च किया गया था, न्यू दिल्ली में किया गया था। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान के सबसे उन्नत प्रणाली सफर का उद्घाटन किस शहर में हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। हाल ही में किसे राष्ट्रीय दिव्यांग रोजगार संवर्धन केंद्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दिव्यांग रोजगार संवर्धन केंद्र की बात करें तो ये अरमान अली इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उन्हें अपॉइंट किया गया है नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पर्सन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आपका आंसर क्या है, अरमान अली इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका फिनलैंड, बिल्कुल सही आंसर होगा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेट फेडरेशन वर्ल्ड अंडर 20 एथलेट चैंपियनशिप, ओके, तो इसको होस्ट किया है फिनलैंड ने, यह बात आपको ध्यान रखनी है। 2020 का समर ओलंपिक कहां पे होगा, देखिए अब यहां पे आपको 2020 का भी याद करने की जरूरत है, 2024 का भी और 2028 का भी। 20 का हो रहा है टोक्यो के अंदर, जापान के अंदर, जो कि यहां पे सही आंसर है। 24 का हो रहा है आपके पेरिस में, फ्रांस में, और 28 का हो रहा है आपका लॉस एंजलिस के अंदर, यानी कि यूएसए के अंदर। तीनों में से एक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2018 के मुताबिक कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो अगर मैं थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर की बात करूं तो फर्स्ट प्लेस पे कौन है, केरला फर्स्ट प्लेस के ऊपर है।
तो आपको पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2018 की जो रैंकिंग है वो ध्यान रखनी है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके सबके बारे में करंट अफेयर में अपन ने डिस्कस किया, आपको याद होगा, है ना। चलते आगे की तरफ। सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाते के लिए न्यूनतम वार्षिक जमा राशि को घटाकर कितना कर दिया है? सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाते की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 250 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इतना वार्षिक जमा राशि कर दी गई है सुकन्या समृद्धि खाते के अंदर। सिंगापुर ओपन मैन सिंगल टाइटल 2018 किसने जीता है? सिंगापुर ओपन की बात करें तो ये चाओ टेन चैन है, कहाँ के? चाइनीज टाइपिंग है। इन्होंने इस बैडमिंटन का खिताब है, बैडमिंटन के इस खिताब को जीता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में मोहम्मद अनास ने खेलों में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड साबित किया, वह किस खेल से संबंधित है? तो मोहम्मद अनास ने किया है किसमें? एथलीट के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। स्प्रिंटर है हीमा दास जी, उन्होंने फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप के अंदर। कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो हीमा दास जी बिलोंग करती है आसाम से, ये भी आपको ध्यान रखनी है। लक्ष्मी सेन, लक्ष्य सेन है जिन्होंने अभी थर्ड इंडियन बन चुके हैं शटलर यानी कि बैडमिंटन प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है एशिया जूनियर चैंपियनशिप के अंदर वर्ल्ड जूनियर चैंपियन को हराकर। ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अब देखिए अपने आप में दो तीन क्वेश्चन है यहाँ पे। पहली बात, लक्ष्य सेन कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? शटलर आ गया। कौन सा मेडल जीता है, किस चैंपियनशिप में जीता है, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, अपने आप में कितने सारे क्वेश्चन है। ऑफिशियल मस्कट बताना है आपको फीफा वर्ल्ड कप 2018 का शुभांकर क्या था? ठीक है, जैबी वाका इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत ने व्यापार और कृषि क्षेत्र में सहयोग को मजबूती देने के लिए किस देश को $200 मिलियन की ऋण दिया है? तो $200 मिलियन की अगर मैं बात करूँ ना लाइन ऑफ क्रेडिट की, तो यह रवांडा वो देश है जिसने ये काम किया है। ठीक है, $200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने दिया है रवांडा को। ओके, चलते अगले सवाल की तरफ। रिसेंटली नीति आयोग ने साइन किया है सेटलमेंट ऑफ इंटेंट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर कोलैबोरेटिंग इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नीति आयोग ने आकांक्षा जिलों में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक आशय पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लुपिन फाउंडेशन है जिसके साथ में हस्ताक्षर किए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सरकार ने देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे बात करें तो MOU साइन किया गया है। ठीक है, किसके साथ में किया है? यूनाइटेड किंगडम के साथ में किया है, UK के साथ में किया है। साथ में सरकार ने मॉब लिंचिंग को नियंत्रण करने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो उच्च स्तरीय समिति की बात करूँ तो राजीव गाबा जी है जिनके लिए को कमेटी का हेड बनाया गया है लिंचिंग को रोकने को लेकर। हाल ही में किस खिलाड़ी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2018 का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड से घोषित किया गया है? तो मैंने बात भी करी थी इसके बारे में कि कमला देवी जी है जिनको वुमेन के अंदर और मेन कैटेगरी के अंदर सुनील छेत्री जी को अवार्ड से नवाजा गया है। एशियन एजुकेशन मीटिंग कहाँ पे हुई है? ये हुई है म्यांमार के अंदर। एशियन के बारे में आपको बताइए, 10 देश इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है आपके जकार्ता के अंदर। साथ में दो ऑब्जर्वर भी है इसके, डिटेल में सवाल आता है ऑब्जर्वर का, कौन कौन है? एक तो ईस्ट तिमूर है और एक गीनिया करके है, ये दोनों देश इसके ऑब्जर्वर भी है। एक तो होते हैं मेंबर और एक होते हैं ऑब्जर्वर, दोनों ही मैंने आपको बता दिया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फीमेल पार्लियामेंट्रियल सितंबर में हुई है, कौन से देश ने इसको होस्ट किया है? तो ये क्या है? आयरलैंड है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पिच ब्लैक नाम की जो एक्सरसाइज है वो कौन से देश ने इसकी मेजबानी करी है? वो करी है ऑस्ट्रेलिया ने। पिच ब्लैक नाम की जो एक्सरसाइज है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा करी गई है। PM मोदी ने अनाउंस किया है गांधी हेरिटेज सेंटर कौन से कंट्री के अंदर? तो गांधी हेरिटेज सेंटर बनाने की बात करी गई है युगांडा के अंदर, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। फॉर्चून अंडर 40 के अंदर फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो है केविन और मार्क जुकरबर्ग। केविन तो है इंस्टाग्राम के और मार्क है आपके FB के, दोनों को पता ही आपको। ठीक है, ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट 2018 कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है लंदन के अंदर। भारतीय सरकार ने कौन से महीने को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का फैसला किया है? पोषण माह की बात करें तो वो है सितंबर में ये अनाउंस किया गया है। कौन से स्टेट ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है? ठीक है, किस चीज़ को लेकर? रेन्यूएबल एनर्जी को लेकर। तो ये है कर्नाटका ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ के आगे निकल गया है। अगला सवाल है, हाल ही में बीमा नियामक IRDAI ने कमिटी बनाई है एग्जामिन करने को लेकर मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर। ओके, तो प्रीमियम रेट्स को लेकर, तो उसके हेड कौन है?
कि कितने प्रीमियम रेट होने चाहिए, कितने उसके एस्पेक्ट होने चाहिए, रिकमेंडेशन के लेकर बातचीत करी गई, तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर। तो कौन है, पी जे जोसेफ जी है जो कि इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल कोलकाता के अंदर आयोजित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में इंटरनेशनल सेमिनार एयर डिफेंस इंडिया कौन सी सिटी में कराया गया है, न्यू दिल्ली के अंदर इसको करवाया गया है। एनजीटी के चेयरमैन कौन है, यह आदर्श कुमार गोयल, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में रोमन मैक्सेसे किन दो लोगों को मिला है, भारत जी को और सोनम जी को, ये दो पुरस्कार से नवाजा गया है। मैंने आपको बताया था सोनम जी ने लद्दाख में बहुत अच्छे काम किया एजुकेशन को लेकर, और भारत जी ने स्ट्रीट पे जो बच्चे हैं उनके मेंटल लेवल को सही करने में काम किया है, तो इनको मिला है रमन मैक्सेसे पुरस्कार। ओके, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हमने करंट अफेयर में बात करी है। तो गाइज, ये था आपके फोर्थ वीक ऑफ जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमने डिस्कस किया है। इसी तरीके से हर हफ्ते मैं आपको संडे के लिए प्रोवाइड करता रहूंगा 7 दिन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और देश में इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करें कि हर बच्चा प्रिपरेशन कर सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।